नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। भारत में हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण के कारण अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं, जिसके मद्देनज़र 2005 के बाद यानी कि 15 साल के बाद पहली बार WHO ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका मकसद है वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों और मौत के आंकड़े को कम करना। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी करते हुए WHO ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के साथ ही वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में जिक्र है कि वायु प्रदूषण की वजह से हर साल वैश्विक स्तर पर करीब 70 लाख लोगों की मौत हो रही है, और इसे रोकने के लिए और सख्त गाइडलाइंस न सिर्फ बनाने की ज़रूरत है बल्कि उसे अमल में भी लाया जाना चाहिए, नहीं तो परिणाम काफ़ी घातक हो सकते हैं। अभी ये परिणाम कितने खतरनाक हैं, आगे चलकर क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसके नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश का उद्देश्य लाखों लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाना है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक नए मानक कुछ इस तरह हैं: सालाना PM 2.5 का औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इससे पहले 2005 में ये सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की गई थी। वही PM 10 का सालाना औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कर दिया गया है, जो पहले 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग सभी प्रदूषकों के मानकों के स्तर को घटा दिया है और कहा है कि इसका पालन कर पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये दिशा निर्देश अहम वायु प्रदूषकों में कमी लाकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं। ये प्रदूषक जलवायु परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।